और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत के खिलाफ विदेशी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी साजिश के पीछे खालिस्तान और पाकिस्तान का हाथ है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कनाडा यूके अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी संगठन जिम्मेदार है। कनाडा यूके अमेरिका में सक्रिय खालिस्तानी संगठन जिम्मेदार है, ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी खालिस्तानी संगठनों की तरफ से, जिसका पूरा का पूरा साथ पाकिस्तान देता हुआ दिखा। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भूमिका भी सामने आई है। कनाडा, यूके, यूएसए में पाकिस्तानी दूतावास से उन्हें मदद मिली है, सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। पाकिस्तान की ISI ने भारत को बदनाम करने के लिए कुछ PR एजेंसी को भी हायर किया है, जो कई देशों में सांसद, बड़ी हस्तियों और बड़ी संख्या में मौजूद फॉलोअर्स वाले ट्विटर हैंडल्स के जरिए भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ हो रहे ट्वीट्स को पाकिस्तानी हैंडल्स हजारों की संख्या में रीट्वीट भी कर रहे हैं। भारत में मौजूद कुछ संगठन, पत्रकार और नक्सलियों से जुड़े कुछ लोग खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मुहिम में लगे हुए हैं, जिससे मोदी सरकार को झुकाया जा सके। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ। 26 जनवरी हिंसा में 55 उपद्रवी शामिल थे। सोशल मीडिया और फुटेज की जांच के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात फॉरेंसिक साइंस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। 6 एक्सपर्ट्स की एक टीम जो कि जांच के लिए दिल्ली आई थी, और अब ये बड़ी खबर मिल रही है 55 दंगाइयों ने किस तरीके से हिंसा फैलाई थी उनकी पहचान कर ली गई है। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है। गुजरात की फॉरेंसिक टीम जो कि दिल्ली पहुंची थी, इस पूरी हिंसा को लेकर जांच उनकी तरफ से लगातार जारी थी, और अब 55 दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम और फॉरेंसिक की टीम ने पूरा जांच कहा कि अभी भी जांच में बहुत सारे अभी लोगों के नाम सामने आने बाकी है, क्योंकि देखिए CCTV फुटेज के आधार पर बहुत से लोगों की पहचान हुई है। 55 उपद्रवी इसमें शामिल थे। फॉरेंसिक जांच में यह अब तक का बड़ा खुलासा है। सोशल मीडिया और फुटेज की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है, क्योंकि कई जगह प्रदर्शनकारियों के, उपद्रवियों के, हिंसक तत्वों की तस्वीरें सामने आई। कई जगह चेहरे उनके साफ साफ बेनकाब होते नजर आए। पहले शुरुआत में संख्या, कल दिल्ली पुलिस ने जो तस्वीरें जारी की थी 12 लोगों की तस्वीर थी, और आज फॉरेंसिक जांच टीम की तरफ से जो खुलासा किया गया 55 उपद्रवियों का खुलासा हुआ है जो उस हिंसा में शामिल थे। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार ने नया पैतरा चला है। DTC बसों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने DTC बसों को डिपो में लौटने का निर्देश दिया है। जो बसें दी गई थी वो तमाम बसें वापस की जाए, ये बड़ा आदेश दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। दरअसल DTC की 576 जो बसें थी वो केजरीवाल सरकार ने वापस मंगाई, उनमें से 300 से ज्यादा बसों को वापस मंगाया है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पुलिस को जो हायर करवाई गई थी, जो मुहैया करवाई गई थी पुलिस फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बसेस, वो वापस मंगा ली गई हैं। हम इस समय सिंघू बॉर्डर पर हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखा गया, दिल्ली आर्मर्ड पुलिस फोर्स को, और उनको ये कहा गया ईमेल के जरिए कि आप जो 560 बसें दिल्ली पुलिस ने हायर की थी DTC से, उनमें से 300 बसें वापस कर दीजिए, और 200 बसें अब सिर्फ पुलिस के पास रह गई हैं। 360 बसेस जो हैं वो वापस मंगा ली गई हैं, और दिल्ली पुलिस को एक ईमेल बकायदा लिखा गया, अभी लेटर भी जो है वो जाएगा। ईमेल के जरिए उन्होंने कहा कि जो हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे, लेकिन आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हम बसेस वापस ले रहे हैं। तो ये बसेस जो हैं वो वापस ले ली हैं, 300 के करीब बसेस जो हैं DTC ने, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने वापस मंगा ली हैं, और अब सिर्फ 200 के करीब जो है बसेस दिल्ली पुलिस के पास है। काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स है, उसको लाने और ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुजूम लगा होता था DTC बसेस का, लेकिन अभी इक्का दुक्का बस ही जो है वो आपको दिखाई देगी। ये फोर्सेस के लिए काफ़ी जो है वो ज़रूरत की चीज़ थी कि कैसे फोर्सेस को लाया जाए, कैसे फोर्सेस को जो है वो रवाना किया जाए, तो उसके लिए DTC बसेस मुहैया करवाई गई थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश की राजधानी में काफ़ी बड़ा मसला है। तो अब ये बसेस जो हैं वो वापस मंगा ली गई हैं, 300 के करीब बसेस वापस चली गई हैं, और सिर्फ 260 बसेस जो हैं, 560 कुल बसेस जो हैं हायर की थी। उसके बाद DTC के अधिकारियों ने एक ईमेल किया
दिल्ली आर्मर्ड फोर्स को और उन्होंने कहा कि जो है 300 बसेस उनको वापस चाहिए। हालांकि अधिकारी का ये भी कहना है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम बसेस मुहैया करवाएंगे, लेकिन सवाल है कि किस तरह से फोर्सेस को लाया ले जाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स है, उसमें 560 बसें लगी थी, अब केवल 200 के करीब जो है वो बसेस रह गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, सिंघू बॉर्डर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में रामपुर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। नवरीत सिंह के परिवार से प्रियंका गांधी की मुलाकात होनी है। बता दें कि 26 जनवरी को स्टंट के दौरान नवरीत की मौत हुई थी और आज नवरीत के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए प्रियंका गांधी कुछ ही देर में रामपुर पहुंचने वाली है। यूपी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद है। प्रियंका गांधी के साथ गाड़ियों का एक लंबा चौड़ा काफिला भी चल रहा है जो आज सुबह ही रवाना हुआ है और बस थोड़ी देर में प्रियंका गांधी रामपुर पहुंचने वाली है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस वाले इस दिल्ली हिंसा के दौरान जख्मी हुए थे, वहां पर कितनी पार्टियों के नेता या सांसद जाकर उन्होंने वहां पर उनका हालचाल जाना था। अब प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहुंच रही है रामपुर नवरीत के परिवार वालों से मिलने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए अरदास कार्यक्रम रखा गया है। आज 10वीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष, और ये देखिए ये दौरा जो उनका ऐसे समय में हो रहा है जब 6 तारीख को लेकर पहले से ये कहा गया है कि चक्का जाम किया जाएगा पूरे देश में 3 घंटे तक। ऐसे में उनके इस दौरे से कहीं ना कहीं उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा कि देखिए विपक्ष पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा है, जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन जब वार्ता होती है सरकार के साथ तब ये विपक्ष नजर नहीं आता है, लेकिन हाँ संवाद में खलल डालने के लिए जरूर देर रात विपक्षी नेताओं का दौरा शुरू हो जाता है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए नवरीत के परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं प्रियंका गांधी। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर देखिए गाड़ी के शीशे को साफ करती नजर आए। दूसरी तरफ तस्वीर है, ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ी देर पहले विपक्षी दलों के सांसदों का एक दल वहां पर पहुंचा था किसान नेताओं से मिलने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हैं नवरीत के घर की तस्वीरें हैं जहां पर मातम है। परिवार वालों को भी पता नहीं था कि नवरीत उस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहा था। नवरीत की जब मौत की पहली खबर आए तो पहले उसे अफवाह की तरह उड़ाया गया कि पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में जब तस्वीरें सामने आई थोड़ी देर के बाद तो साफ हो गया कि दरअसल ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान ट्रैक्टर पलटा और उसकी चपेट में आने से नवरीत की मौत हो गई। कई नेताओं ने इस वक्त भ्रामक भड़काऊ बयान दिए थे, वापस उनको अपने बयान खींचने पड़े जब सच्चाई सामने आई थी। और अब नवरीत के घर पहुंच रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, वहां पर नवरीत के परिवार वालों से मिलकर उनको सांत्वना देंगी। नवरीत के मौत से हर कोई दुखी है, सहानुभूति है परिवार के साथ, लेकिन साथ ही साथ लोग सवाल यह भी पूछ रहे हैं कि क्या ये वाकई में सहानुभूति है या सिर्फ और सिर्फ ये कोरी सियासत है जो इस वक्त हो रही है। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी ने यह कहते हुए अपनी राय रखी कि पिछले 6 सालों में किसानों की भलाई के लिए हमने कदम उठाए हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। बजट में भी किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान ये मानकर चल रहे हैं कि मोदी सरकार केवल हमारे खिलाफ है, हमारा विरोध करती है, लेकिन इस बात को दोहराते हुए पीएम मोदी नजर आए, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि देखिए किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है और बजट में भी एक बड़ा अमाउंट कृषि क्षेत्र के लिए किसानों के हक में हमने ऐलान किया है। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा, यानी
मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। और बड़ी खबर, कृषि कानून पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था बिल, यही बिल लाना चाहते थे, जो बिल लाना चाहते थे आज उसी का विरोध कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी बात कही है, कृषि कानून का विरोध कांग्रेस की साजिश है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृषि कानून पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरते हुए साफ कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बिल था, लेकिन अब जब ये बिल आ चुका है तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस बिल का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस मैनिफेस्टो की बात की है, मैनिफेस्टो में उसमें मैनिफेस्टो में था, लेकिन मैनिफेस्टो में ये कहा था कि इस पर आम सहमति नहीं होगी। हमने मांग की थी कि आप ऑर्डिनेंस हम जो है उसको वापस करिए और सेलेक्ट कमेटी बनाइए। यहां पर अमेंडमेंट आए थे, सदस्यों ने दिए थे। मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उपसभापति महोदय का, लेकिन मैं अपनी सीट पर था और अपनी सीट से मैंने डिवीजन मांगा, लेकिन डिवीजन नहीं दिया। इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? आज यदि किसान घर द्वार छोड़कर अगर दिल्ली के आसपास बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि तो षड्यंत्र है, कांग्रेस करा रही है। टीएमसी की सहभागिता। प्रश्न ये है अध्यक्ष सभापति महोदय कि ये जुबान बदलने की आदत हमें बंद करनी होगी। चट भी मेरा और पट भी मेरा, ये कब तक चलेगा? देश के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? जो आपने तब कहा था उस पर आप अडग रहेंगे तो आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। प्रश्न यह है द हिपोक्रेसी वुड नॉट हैव बीन देयर इफ यू हैड नॉट डन द हिपोक्रेसी विद द पीपल। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, लेट अस नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। प्रश्न यह है सभापति महोदय कि जिस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लागत से 1.5 गुना बढ़ोतरी की हो, जिस सरकार ने गेहूं के भुगतान में 2013-14 में जो 34,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान होता था उसे 5 साल के अंदर डबल से ज्यादा करके 75,000 करोड़ किया हो, जिस सरकार ने दाल के मुद्दे पर 2013-14 में जो 236 करोड़ रुपए का केवल देश के सारे किसानों को भुगतान किया गया था उस 236 करोड़ को बढ़ाकर 40 गुना 10,550 करोड़ किया हो। कांग्रेस को घेरते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस वक्त एक बड़ी खबर है, टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की खास तैयारियां हैं, उड़दंगियों के पथराव से बचने के लिए लगाई गई खास तरह की जालियां हैं। 6 फरवरी को हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है, सड़क की खुदाई कर बैरिकेडिंग लगाई गई है, टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। इससे पहले आपको याद होगा कि सड़कों पर कीले लगाई गई थी, हालांकि कुछ जगहों पर अब ये कीले हटाई जा रही हैं क्योंकि स्थानीय लोगों की तरफ से भी आपत्ति जताई गई है कि हमें दिक्कत हो रही है, तो अभी फिलहाल कुछ हिस्सों से कीले हटा दी गई हैं। टिकरी बॉर्डर का हम रुक कर रहे हैं जहां से सुमित और मनोहर हमारे साथ मौजूद है। सुमित, मनोहर, अभी हालात टिकरी बॉर्डर के क्या कुछ है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर तो हम देख रहे हैं विपक्षी दलों के सांसदों का दौरा एक के बाद एक दिखाई दे रहा है, टिकरी बॉर्डर पर क्या कुछ हालात? देखिए रीतिका, लगातार घेराबंदी की जा रही है क्योंकि 6 फरवरी को जिस तरह से ऐलान किया है तमाम किसान संगठनों की कि एक बार फिर से वो चक्का जाम करेंगे जगह जगह,
तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए यहाँ जाल से घेर दिया गया है पूरे इलाके को, खासकर अगर ये जो बॉर्डर की अगर हम बात करें तो जाल लगा दिया गया है ताकि उपद्रवी जो हैं वो खासकर पथराव आंदोलन के, जिधर आंदोलन चल रहा है उस तरफ से पथराव नहीं कर सके, इसको रोकने के लिए खास तैयारी जो है वो की गई है। अगर आपको सड़कों को दिखाएं, देखिए सड़कों को एक तरह से यहाँ से खुदाई की गई है और इसके अंदर बैरिकेटिंग अंदर डालकर उसको ढाल दिया गया है सीमेंट सरिया और पत्थर से। और दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि अभी भी जो तैयारी जो है वो इस वक्त चल रही है, जो खासकर बैरिकेटिंग के ऊपर अगर हम बात करें कटेली तार की, तो उस तार को भी यहाँ सीमेंट सरिया और कंक्रीट से जो है इस वक्त ढाला जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, अभी भी देखिए किस तरह से यहाँ घेराबंदी जो है वो यहाँ की जा रही है। देखिए ये जो कटीली तार है इसको भी सीमेंट के जरिए कंक्रीट के जरिए यहाँ ढालने की जो है इस वक्त तैयारी चल रही है। तो मनोहर, हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ अगर बात की जाए सुरक्षा बल जो है वो चौकस। चलिए सुमित और मनोहर, हम आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगी किलों को हटाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, बैरिकेडिंग के दौरान किलों को लगाया गया था, लेकिन अब किले वहां से गाजीपुर बॉर्डर के पास से हटा दी गई हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, अभिषेक और निजाम गाजीपुर बॉर्डर से। अभिषेक जरा बताइए ये क्यों हटाया गया इस किलों को जो पहले लगाया गया था। देखिए इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर किले लगाई गई थी, और पीछे देखिए ये बैरिकेडर और ये जो तार है ये कटीले वायर अभी भी लगाए गए हैं। तमाम किसान भाई जो यहां पर हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद है और यही बताएंगे कि ये किले क्यों हटाई गई, क्या उसके पीछे कारण था। भाई साहब ये जो किले आपके पीछे लगी हुई थी, थोड़ा सा जगह दे दीजिए मैं दिखा दूं, जरा आपने कैमरे पे भाई साहब आप आ जाओ। ये यहां पर किल की वो पट्टी लगाई गई थी और ये देखिए ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे ना ये यहां से ये किले हटा दी गई है। भाई साहब क्या रीजन है किले हटाने का? इसका क्या चमक हो, एक शब्द चमक, मतलब चमक बढ़ रही इनका। ये सही लाइन जी, आदमी कोई भी भटक जा अपनी तो उसका चमक बढ़ा। रात को सुबह में भूत दिखा लगे उसे, इन्हें दिखाई दे रहे भूत। किसान को अगर ये किसान मान ले, अन्नदाता मान ले तो कुछ नहीं, अगर इन्हें प्रदर्शित करना चाह रहे जनता के सामने कि ये कुछ और हैं, हमने कील लगाई। अब उसका जितने पैसे बीजेपी फेंक रही है उसके सब उल्टे पड़ रहे। अब यहाँ की जनता ने कहा बीजेपी यहाँ के विधायकों से कि किसानों ने हमारे रास्ते नहीं रोके थे, किसान तो हम आराम से यहाँ से निकल रहे थे, हम रास्ते में रोके थे, खाना पीना भी खिलवा में थे, खीर खिलवा में थे, दूध पिलवा में थे, और ये आपकी सरकार ने तो हमारे पैदल के रास्ते भी रोक दिए। तो मुझे एक बात बताइए भाई साहब, ये रास्ते रोके क्यों गए? इसलिए रोके गए कि आईटीओ पर उस दिन जो बवाल हुआ, मैं वहां पर था, आईटीओ पर जिस तरीके से वहां पर उपद्रवियों द्वारा उपद्रव मचाया गया था, मैं उनको किसान नहीं कहूंगा, किसान आप लोग हैं, मैं उनको उपद्रवी कहता हूं और उपद्रवी ही कहूंगा, और जी हिंदुस्तान यही लाइन लेके चल रहा है कि उनको उपद्रवी हम कहेंगे, हम उनको किसान नहीं मानते, किसान आप हैं। जरा दिखाइए, जरा जरा एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुन लो, आप जरा पीछे हटके दिखा दीजिए, ये है हमारे किसान भाई, आप वाले चेहरे, आपके आप जैसे लोगों के चेहरे उस दिन नहीं थे, तो आखिरकार में वो लोग कौन थे जो इस तरीके से पूछे? और बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक आपको रोकना चाहेंगे। देखिए जी हिंदुस्तान लगातार वो तस्वीर दिखा रहा है जिसके जरिए आप समझे किस तरीके से बॉर्डर्स पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है, क्योंकि 6 तारीख का अब इन लोगों का टारगेट है, और इसी को लेकर पुलिस ने ये तमाम इंतजाम किए कि फिर से वो घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि फिर वैसे ही हिंसा ना दोहराई जाए। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा आओ अब सब बचेगा, और थर्मोकूल, अब गर्मी को कहो गुड बाय। इस बिल को लेकर
हमें हिंसा नहीं फैलानी, हम हिंसक नहीं है, हम तो खेती में काम करने वाले किसान है जो देश का पेट पालते हैं। जरा बात करिए इनसे। जी बिल्कुल, ये सब बातें हैं हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो खड़ा हो रहा है, पिछले 26 जनवरी के बाद हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो है विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, अकाली दल हो, या जो जयंत चौधरी हो, वो सभी लोग यहाँ आ रहे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि अब जो स्थिति है उसके बाद इसका साथ लेना जरूरी हो गया, ये विपक्ष का हाथ में चला गया आंदोलन? जो लड़ो कोशी बहु हो घर में वो कड़ियों में सांप बता रहे हैं। तुझे कड़ियों में सांप बता जाए रहा, कड़ियों में तो सांप है यू। ये बहाना चाह रहे हैं कि किसान को कैसे बदनाम किया जा। सही बात बता रहे, किसान तो बिल्कुल सही लाइन पे। देखो 35 साल तक आंदोलन चला रहे हम भी, बटगेट के नेतृत्व में चला हमने, हमें सब तरीकों का पता है क्या करना है। क्या वजह रही कि ये 26 जनवरी से पहले ये लोग कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे? कौन से लोग? ये तो देखो एक बात मैं बता, विपक्षी दल चाहे का कोई भी बात चली, दो दिन से मैं बता रहा, ये जो विपक्षी हैं ये भी किसानों की वोट ले, ये राजनीतिक तरीके से किसानों से जुड़े हुए हैं, हम अराजनीतिक तरीके से किसानों से जुड़े हुए हैं, तो आने का अधिकार क्यों नहीं है ना? हम तो ये कह रहे हैं कि आ रहे वो मेहमान है, मेरे सम्मान है इनका, ये किसानों से जुड़े हुए हैं इसलिए आ रहे। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद के जो आंदोलन है और उससे पहले का जो आंदोलन है कैसे बदल गया? पहले जब आपके सामने किसान मोर्चा के बहुत सारे नेता नजर आते थे, लेकिन अब जो है राकेश टिकैत जो है एकमात्र नेता नजर आते हैं, आपकी नजर में होंगे, पर्दे के पीछे होंगे, लेकिन आप बताइए कि आपकी नजर में अभी किस तरीके से राकेश टिकैत जो है उनके जो फैसले हैं या उनके जो निर्णय हैं वो इस आंदोलन को मजबूत किए हुए? भाई निर्णय तो उनके मजबूत कर ही रहे, उन्होंने सारा तामझाम जत्थेबंदियों पे छोड़ दिया, जो 40 जत्थेबंदी है जिनके कारण पूरी एक कमेटी है, जो वो करेंगी वो होगा, समझे जी। राकेश टिकैत एक सभी से ही है, राकेश टिकैत जी ने किसान की जान बचाई है, यहाँ बर्बरता करी गई प्रशासन के द्वारा भी और बीजेपी के विधायक के द्वारा भी, यहाँ पे करी गई। और रही इस बैरिकेडिंग की बात, इसे मैं तुम्हें बता दूं, बहुत बढ़िया तरह ये कह रहे कि किसान की सुरक्षा के लिए है। पहली बात, अगर किसान की सुरक्षा के लिए यह है तो हमारी हमेशा लेके जाएंगे। दूसरी बात, दिल्ली वालों में और हम में इन्होंने झगड़ा कराने की साजिश से उनके रास्ते बंद कर रहे हैं, दिल्ली के हमारे नहीं कर रहे हैं, ये उधर से दिल्ली के रास्ते बंद कर रहे हैं कि दिल्ली का जो भी आम आदमी है वो हमारे संगठन को बदनाम करेगा कि आपने जो है यहाँ पे रास्ता बंद कर, आपकी वजह से रास्ता बंद किया, हमारी वजह से रास्ता बिल्कुल बंद। गणतंत्र दिवस के बाद से जिस तरीके से अगर कहें कि विपक्ष हो चाहे दूसरे सारे जो कह सकते हैं दल यहाँ रहे, ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको कहीं अंदर ये दिल में नहीं लगता है कि कहीं हमारे हाथ से निकल के उनके पास नहीं चला जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक लोग वो भी किसानों से, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं, वो पार्टियां भी कहीं किसानों से दूर नहीं है। फिर रही बात समय का फायदा सब उठाने की सोचते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से हमारे बीच, जैसे हमारे लोक दल के जयंत चौधरी हैं, आपने कहा कि जयंत चौधरी जी भी आए, वो किसानों के लिए आए हैं न कि राजनीतिक रूप से। हाँ, क्या राजनीतिक रूप से आने वाले लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं यहाँ पर, राजनीतिक अभी कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं। आप अभी आपने एक सवाल किया था कि 26 के बाद हमारा आंदोलन और तेजी से हुआ, क्यों हुआ? उसका कारण कुछ लोग जुड़े हुए थे, जैसे बीएम सिंह जी भी थे, हमारे भानु टीम थी, लेकिन दो जो किसान जी बिल्कुल किसानों के जो संगठन थे वो अलग भी हो गए, तो फिर दूसरे जुड़े भी? संगठन अलग नहीं हुए ना कोई जुड़े, हमारे सभी संगठनों ने एकमात्र नेता को चुन दिया, राकेश जी को, क्योंकि 28 की रात में यहाँ पर प्रशासन का इतना दबाव था, उस वजह से कुछ लोग उनमें से चले गए। राकेश जी ने अकेला देखकर हम, बल्कि ये भी घोषणा कर दी थी कि हम अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे, लेकिन उस समय बीजेपी के लोगों ने इतना प्रेशर बनाना चाहा अपनी वाहवाही पाने के लिए, हमारे राकेश जी उन लोगों को जो हमेशा उनके साथ दो महीने से जुड़े हुए थे, क्या उनको अकेला छोड़ देते? उनके लिए उन्होंने अपना बलिदान देने की बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार जिस तरह से गणतंत्र दिवस हिंसा के बाद से जो माहौल बदला है, उसके बाद से लोगों के अलग अलग विचार हैं, यहाँ के लोगों के विचार जाने हैं और उनकी बात भी सुनी है।
एक बार फिर से मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके अभी भी जागर कहें तो पूरे देश में एक तरह से ये आवाज, जैसे आप कहे हैं कि विदेशों से भी इनके बारे में ट्विटर कहे गए, ट्विटर को लेकर भी कहा गया, पाकिस्तान से भी ट्वीट किए गए, दूसरी तरफ जो है लगातार कहा जा रहा है कि ये विपक्ष के हाथों में आंदोलन चला गया, इन सब बातों को लेकर आप लोग जो यहाँ लोग बैठे वो क्या सोचते हैं? देखो, ये हमने पहले भी बताया है कि बीजेपी बहुत माइंड से चल रही है, ये इतना दिमाग लगाना ठीक नहीं है। कभी तो असली और नकली किसान बता दिए जा, कभी कुछ बता दिया जा।